स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। गिनती याद है तुम्हें कितनी बार गौरी को मारने की कोशिश की? मेरे भाई अमन को मार दिया तुमने, गौरी की बहन करुणा, गौरी का भाई, गौरी के पापा, धर्म का पूरा परिवार, उन सबका खून तुम्हारे सर पर है। लोगों की किस्मत लिखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हारी किस्मत मैं लिखूंगा, आज तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। चलो मौत के मुंह में। बंदर का बच्चा चाहे जितनी भी ऊंची छलांग मार ले, रहेगा तो वो बंदर ही ना, आसमान नहीं छू सकता। हे भगवान, ये आवाज ये काला सुर वापस बाहर क्यों आ रहा है? कहीं इसने ये आवाज तो नहीं सुन ली? ये तो कोई इंसानी गंध है, लगता है कोई यहां आया है। उस रात जो गौरी को मारने की कोशिश कर रही थी तुम, उसकी आंखों में मौत का डर देखना चाहती थी ना? वो डर तुम्हें गौरी की आंख में तो दिखा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंख में दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। बताओ कैसा लग रहा है? मौत को इतने करीब देखकर कैसा लग रहा है तुम्हें? उसी मौत का डर जो तुमने मेरे परिवार में बांटा, जाने कितने लोगों की जान ली, अब जब अपने पे आई है तो कैसा लग रहा है बोलो? हाँ, कैसा लगता है मौत को इतने करीब से देखते हुए? छोड़िए सब बातें, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे इसे कुछ समझाना भी नहीं है, मुझे बस इसे सबक सिखाना है। इसने जो दर्द दिया है, आंसू दिए, चुन चुन के बदला लेना है उसका। वो कहते हैं ना, जो लोग मरने से नहीं डरते वो डर डर के मर जाते हैं। ऐसे डरा डरा के मारना इसे, कितनी जाने ली ना तुमने? गिनती याद है तुम्हें कितनी बार गौरी को मारने की कोशिश की? मेरे भाई अमन को मार दिया तुमने, गौरी की बहन करुणा, गौरी का भाई, गौरी के पापा, धर्म का पूरा परिवार, उन सबका खून तुम्हारे सर पर है। लोगों की किस्मत लिखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हारी किस्मत मैं लिखूंगा, आज तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। चलो मौत के मुंह में। बंदर का बच्चा चाहे जितनी भी ऊंची छलांग मार ले, रहेगा तो वो बंदर ही ना, आसमान नहीं छू सकता। उमा दीदी आसमान से भी ज्यादा ऊंची है, और तू आसमान को बांधने चला था, मौत के मुंह ले जाएगा। मूर्ख इंसान,
दीदी, मैंने तो सुना था इन इंसानों के पास थोड़ा सा दिमाग होता है, पर मुझे लगता है काला सुर के साथ लड़ते लड़ते ये लोग अपनी बच्ची कुछ दिमाग भी गवा बैठे। बुरा लग रहा है, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम दोनों पर। कितना सीना तान के खड़े थे ना, और अब देखो मुंह के बल गिरे हैं। मेरे प्यारे बेटे, बहुत याद आ रहे हैं ना वो जो मर गए हैं, जिन्हें मैंने मारा है, सॉरी हम दोनों ने मारा है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे भी वही पहुंचा दूंगी, उन्हीं के पास, पता है ना कहाँ, जहां लोग मरने के बाद जाते हैं, और फिर जाना वहां जाके पार्टी करना। मेरे तरफ से हाय बोल देना और नमस्ते भी, यू नो फॉर्मेलिटी सेक। अब ज्यादा याद मत कर, क्योंकि बहुत जल्द तू भी एक याद बन के रह जाएगा, मर जाएगा। किसने हिम्मत की मेरे साम्राज्य में आने की? कौन कर सकता है? कौन है? कहीं ये मुझे पकड़ने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा है, जैसे इसने उस रात शैतानों के जश्न में किया था हमें पकड़ने के लिए। जा जा जाके ढूंढ ढूंढ उस इंसान को जिसने मेरी काली दुनिया में आने की हिम्मत की है, गलती की है। जा अवनी, ये मेरा बेटा मेरी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता था। चल इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, और वो भी डबल डोज के साथ। इन दोनों की आंखों में मुझे मौत का खौफ देखना है। ऐसे तड़पा तड़पा के मार दोनों को कि इनके मुंह से रूह कांपने वाली चीख सुनाई दे मुझे। मैं इसकी चीखें सुनना चाहती हूँ। मेरी उमा, नाम तो सुना होगा ना, राज राजवर्धन सिंह सूर्यवंशी। और ये भी सुना होगा कि सूर्यवंशी एक आग है, जिसमें दोस्तों के लिए जितनी जोत जलती है उतनी दुश्मनों के लिए ज्वाला। सूरज की आग है मेरे अंदर, और आग कभी डरती नहीं, जलती नहीं, सिर्फ जलाती है। बस हो गया तेरा, अब तू ये बोलती बंद कर, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की सांसें रोकने वाली हूं। यहाँ इस जगह पे मैं ही रेस हूँ, मैं ही खिलाड़ी हूँ, और मैं ही जीत हूँ। तो ये बच्चों वाला पकड़म पकड़ी खेल बंद करो, क्योंकि घूम फिर के वापस मेरे ही सामने आना होगा। ओ सॉरी, मेरे ही सामने मरना होगा। अवनी,
हे भगवान, कालासुर को अपनी काली पूजा करने के लिए 12 लड़कियों की जरूरत है और यहाँ पूरी 12 लड़कियां हैं, मतलब उसने पूरी तैयारी कर ली है। काट दूंगी, मार दूंगी मैं तुम लोगों को, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, पहले तुम अपनी दीदी से तो पूछ लो जो अभी फिलहाल करा रही है दर्द से। क्या हुआ, पूरी कोशिश कर ली लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। देखो पहले भी कितने अटैक किए थे तुमने, गिनती याद है? तुम्हारे अटैक की नहीं, हमारे बच के निकलने की और तुम्हें हराने की। तुम्हारे लिए तो ये सब खेल है ना, लेकिन हमारे लिए एक टारगेट है, एक मकसद, शैतानों का अंत, बुराई की हार और अच्छाई की जीत, जैसे हमेशा से होती आई है और आज भी होगी। आज फिर अच्छाई की जीत होगी और बुराई की हार। अपनी हादी, वैसे भी ये लोग आज मर ही जाएंगे, मुझे बचा ले। हाँ दीदी मैं करती हूँ, आप अब चिंता मत करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।